हाय फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले टाइम स्पीड और डिस्टेंस के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन ट्रेन, तो वो इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, जाके आप उसको देख लीजिए ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला स्पीड फाइंड करने का वो है डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा वो ये टाइम है, और यदि उस डिस्टेंस को हम जितना टाइम लगे उससे डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ट्रेन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली क्या पूछते हैं कि ट्रेन है वो किसी पोल को क्रॉस कर रही है तो कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, या फिर ये पूछते हैं कि ट्रेन ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ये ऐसा, और स्पीड फाइंड करने को पूछते। तो इस तीन चीजों में से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन में से यदि तुम्हारे पास दो चीज हो तो तीसरी हम अननोन चीज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये दिया हुआ होता है, सिर्फ हमें फाइंड करना होता है प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ के। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने कि व्हेन द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट मूविंग भी हो सकता है और स्टेशनरी भी हो सकता है, जैसे कि ये पोल है या फिर कोई इंसान खड़ा है और ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो ये कैसा केस हो गया कि जहां पे ऑब्जेक्ट वो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में जो ट्रेन की स्पीड है वो हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं, ट्रेन के जितने भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम जो स्पीड लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, रिलेटिव स्पीड लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो रिलेटिव स्पीड में दो केस होते हैं कि जैसे कि ये दोनों ये दो ऑब्जेक्ट है वो ये से लोग इसको ट्रेन के देते हैं और ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में और ट्रेन भी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, और ये एस वन ग्रेटर देन एस टू, तभी तो ट्रेन इसको क्रॉस ओवर सॉरी क्रॉस कर पाएगी, ओवरटेक कर पाएगी। तो इस केस में ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो ट्रेन की रिलेटिव स्पीड होगी एस वन माइनस एस टू, ट्रेन की स्पीड में से इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को हमें घटाना होगा। यदि ट्रेन और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में थे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में ये ट्रेन ए इसकी स्पीड एस वन, ये ऑब्जेक्ट टू और इसकी स्पीड एस टू, इस केस में भी एस वन इज इक्वल टू एस टू, ठीक सॉरी एस वन ग्रेटर देन एस वन मतलब बड़ा है, ठीक है, एस टू से एस वन ग्रेटर देन एस टू। तो इस केस में ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एस वन माइनस एस टू, सॉरी इस केस में प्लस होगी, क्यों, यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये प्लस आएगा और यदि सेम डायरेक्शन में तो ये माइनस आएगा। तो दूसरा पॉइंट है कि अभी जब ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो उस वक्त हमें कितना डिस्टेंस कंसिडर करना है, तो जो डिस्टेंस कंसिडर करना है ये वाला, तो वो कितना होगा, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम शॉर्ट में यहाँ पे इंडिकेट करें एल टी और एल ओ के थ्रू। जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपकी ट्रेन खड़ी है, ये एंट्रेंस है प्लेटफॉर्म का, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है, तो यहां तक, तो इस वक्त इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन ने यहां से इसको क्रॉस किया, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहां से लेके ट्रेन का जो फर्स्ट पोर्शन होता है स्टार्टिंग, वहां तक इतना उसने डिस्टेंस कवर किया। तो उस टाइम में ट्रेन की लेंथ तो हमें लेनी है लेकिन साथ में ये प्लेटफॉर्म है उसकी भी लेंथ हमें कंसिडर करनी होगी, तो उतना उसने ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो ये उस टाइम पे यदि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा है जिसकी लेंथ हमें कंसिडर करनी होगी, तो उस टाइम पे लेंथ हमें उसको लेनी होगी ये कैलकुलेशन में, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेन में चार टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, वो चारों टाइप के प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। देखो हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम देखने वाले हैं ऐसा तो नहीं कि सारे प्रॉब्लम कवर हो जाएंगे, लेकिन उस चार केस में से ही कोई एक केस होगा ट्रेन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस कैसा होता है, ओके, तो ट्रेन क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ, जैसे कि ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक पोल हो गया या फिर कोई इंसान खड़ा है, जैसे कि ये इंसान खड़ा है और ट्रेन जो है वो इसको क्रॉस कर रही है, तो पूछेंगे क्या, ट्रेन को ट्रेन की स्पीड दी हुई है और लेंथ दी हुई है, तो ये पूछेंगे कि ट्रेन को इस पोल को या फिर इंसान को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, या फिर स्पीड और टाइम दिया हुआ होगा तो ये पूछेंगे कि ट्रेन की लेंथ क्या है, तो इस तरह से पूछेंगे। तो यहाँ पे देखो यदि एस टी को मतलब हुआ स्पीड ऑफ ट्रेन को, मैंने एस टी से बताया स्पीड, एस ओ मीन्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, एल टी मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन और एल ओ मीन्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और टी टाइम टेकन ट्रेन को उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो
ट्रेन को सब्जेक्ट को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा, ये ट्रेन का जब भी क्वेश्चन आए तो ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, तो ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होगा, सॉरी डिवाइडेड बाय स्पीड होगा, कितना टाइम लगता है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना लेना ट्रेन का जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस और माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लस कब लेना है, जब ट्रेन और ऑब्जेक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस। लेकिन ट्रेन और ऑब्जेक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में आपको क्या लेना, माइनस। यदि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपको लेना प्लस। ये आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन के टाइम। तो यहाँ पे ट्रेन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या क्या होगी, जीरो, क्योंकि वो तो स्टेशनरी है, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ ST। और विदाउट लेंथ, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक पोल की जो लेंथ है वो कंपेयर टू ट्रेन की लेंथ में तो बहुत कम है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर नहीं करते। और फिर आएगी लेंथ ऑफ ट्रेन, तो कितना टाइम लगेगा उस पोल को क्रॉस करने में, या फिर उस स्टेशनरी इंसान को क्रॉस करने में, टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। चलिए इसके तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की लेंथ हमें दी हुई है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू मीटर 280 मीटर, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या दी हुई है ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 63 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मीटर को कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है हमें, 63 × 5/18, ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, 63 × 5, 9 × 2 = 18, और ये चला गया ऊपर आएगा 7, 7 × 5/2, 35 मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड मिल गई, ठीक है, ट्रेन की मीटर पर सेकंड में। अब इस फॉर्मूले में जैसे कि कितना टाइम लगता है वो टाइम ही में फाइंड करना, टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस और माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पोल दिया हुआ है जिसकी कोई लेंथ है नहीं, तो लेंथ उसको नेगलेक्ट कर देते, वो हमें गिननी नहीं है, तो आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय, पोल तो स्टेशनरी है तो उसकी स्पीड होगी, नहीं होगी, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें फाइंड करना है टाइम, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी हुई है, 280 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है, 35 / 2, ये 2 पर चला जाएगा, तो 280 × 2/35, तो इसका आंसर आएगा 16 सेकंड्स। तो ट्रेन को उस पोल को पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 16 सेकंड। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि एक पोल को ट्रेन क्रॉस कर रही है, टाइम लग रहा है 16 सेकंड और उसकी स्पीड दे दी, तब ट्रेन की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम दे दिया हमें, स्पीड है तो लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि उसकी टाइम दे दिया है और ट्रेन की लेंथ दे दी है, और फिर पूछेंगे कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है और उसके पास कोई लेंथ नहीं है, तब फॉर्मूला आएगा कितना टाइम लगता है उसको क्रॉस करने में, तो टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। तो उस टाइम आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, हमारा मेन फॉर्मूला है ट्रेन के क्वेश्चन पे, टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस और माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दूसरा केस देखते हैं, ट्रेन क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ, जैसे कि प्लेटफॉर्म और रेलवे टनल। तो अब ऐसा कोई केस है जैसे कि ये जैसे कि जो हो गया प्लेटफॉर्म, ठीक है, अब ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो यहां से ट्रेन चलेगी, ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो टोटल ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ट्रेन की लेंथ तो है लेकिन साथ में प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है, उतना भी उसको ट्रेन को ट्रैवल करना पड़ा उसको क्रॉस करने के लिए, तो इस केस में डिस्टेंस पूरा इतना हो जाएगा, ट्रेन
की लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, ट्रेन को कुछ टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो ट्रेन को ट्रेन की लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो, या फिर रेलवे टनल है तो उसकी लेंथ, वो भी इसको कंसिडर करनी पड़ेगी टोटल लेंथ में। तो हमारा मेन फॉर्मूला है उसको क्रॉस करने के लिए लगने वाला टाइम, टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस और माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे टनल को क्रॉस मूव हो नहीं रही, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ऑब्जेक्ट की जीरो, तो एस जीरो तो हो जाएगा जीरो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ है हमारे पास, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो बड़ा होता है तो उसको कंसिडर करना होगा, और लेंथ ऑफ ट्रेन भी दी हुई होगी और स्पीड ऑफ ट्रेन बताई होगी, तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, याद रखो। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर टेक्स 25 सेकंड्स टू क्रॉस अ टनल ऑफ लेंथ 125 मीटर, द स्पीड ऑफ टनल सॉरी स्पीड ऑफ ट्रेन इज, ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो होगी क्योंकि टनल कभी मूव होती है नहीं होती, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दी हुई है हमें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 250 मीटर, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 125 मीटर। तो हमारा फॉर्मूला टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस और माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा इस केस में हमारा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन, ये तो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ ट्रेन। हमारे पास क्या क्या है, टाइम दिया हुआ है, इसने टाइम कितना लग रहा है उसको क्रॉस करने में 25 सेकंड्स टाइम है हमारे पास, स्पीड को फाइंड करना है और ये भी हमें दिया हुआ है। तो टाइम कितना है 25 सेकंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 125 प्लस 250 डिवाइडेड बाय स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो एस टी, तो ST इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन 125 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितना हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाय 25, तो इसका आंसर क्या आएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी 15 मीटर पर सेकंड। तो ये था दूसरा केस जिसमें ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को हमने कंसीडर किया। तो अब इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जैसे स्पीड दी हुई होगी और टाइम दिया हुआ होगा, ट्रेन की लेंथ दी हुई होगी और बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या, मतलब टनल की लेंथ क्या, तो भी हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे कि स्पीड आपको दे दी 15 दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है 25, लेंथ ऑब्जेक्ट की नहीं पता, ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन ट्रेन की लेंथ हमें जैसे दी हुई है 250, तो इसको सॉल्व करके हम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म की लेंथ फाइंड कर सकते हैं या फिर टनल की लेंथ। उसी तरह जैसे कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है और ट्रेन की लेंथ फाइंड करने को बोले तो भी कर सकते हैं, जैसे 25 इसकी लेंथ ऑब्जेक्ट की है 125, लेंथ ऑफ ट्रेन की पता नहीं है, ट्रेन की लेंथ क्या वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है और स्पीड दी हुई है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं ट्रेन की लेंथ। तो ये सिर्फ इक्वेशन में क्या 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 दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें तीसरी चीज फाइंड करने को बोलेगा, ठीक है। तो किसी भी तरह से पूछ सकता है लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखते हैं तीसरा केस। ओके, ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ, जैसे कि कोई इंसान है ये भी रन कर रहा है, ठीक है, वो भी ये भी दौड़ रहा है और ट्रेन भी मूव हो रही है, तब उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें देखना है। ये इंसान है जो दौड़ रहा है और ट्रेन भी रन हो रही है, ठीक है, तो उस इंसान को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे अब दोनों ऑब्जेक्ट और ट्रेन दोनों मूव हो रहे हैं, तो उस केस में कॉन्सेप्ट आ जाता है रिलेटिव स्पीड का, वो हमें याद रखना है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है तो हमें रिलेटिव स्पीड के बारे में कंसिडर करना होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि विदाउट लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि लेंथ तो यहाँ पे बहुत ही कम होगी, ठीक है। अब इंसान की लेंथ, इंसान रन, ठीक है, आदमी दौड़ रहा है और ये ट्रेन भी रन हो रही है, तो इंसान की लेंथ तो हम यार नेगलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेन की लेंथ ज्यादा होती है इंसान से, तो उस केस में हम लेंथ को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये है
इंसान को क्रॉस करने में या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ बहुत कम है उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला, इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। लेकिन केस थ्री के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगी लेकिन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होगी क्योंकि विदाउट लेंथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन होगी प्लस और माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रेन की डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जैसे कि ये ट्रेन है ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस। लेकिन इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो कौन सा साइन आएगा, जैसे कि ट्रेन जा रही है इस तरफ, ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ, तो साइन आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आने वाला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, जैसे सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं कि लेंथ कितनी है ट्रेन की, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 150 मीटर, स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में दी हुई है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। मैन मूविंग अ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, ओके, मैं ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने ये केस हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आने वाला है साइन, ओके। द ट्रेन विल पास द मैन इन ब्लैंक दिया हुआ, कितनी सेकंड में ट्रेन उस इंसान को क्रॉस कर लेगी या पास कर लेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस केस में हमारा, टी इज इक्वल टू कितना टाइम लगेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो साइन आएगा प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मानी मानी इंसान की जो स्पीड दी हुई है, वो जो मैन रन कर रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 150 मीटर, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है 25, और इंसान की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। तो 150 30 ये हो गया 5 मीटर, सॉरी ये टाइम फाइंड किया तो सेकंड्स। तो ट्रेन जो है वो इंसान को 5 सेकंड में, 5 सेकंड में उसको क्या कर लेगी, पास कर लेगी। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए प्लस आया। अब ऐसा बोलता कि सेम डायरेक्शन में, ठीक है, अब बात करते सेम डायरेक्शन में होती तो क्या होती, तो क्या हो जाता सेम डायरेक्शन, तो उसमें क्या होता, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होता, माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब टाइम कितना लगता, ट्रेन की लेंथ थी 150, 25 माइनस 5 150 डिवाइडेड बाय 20, तो 7.5 सेकंड लगता, कितना लगता है उसको टाइम, 7.5 सेकंड, यदि वो सेम डायरेक्शन में इंसान मूव कर रहा होता। तो ये था केस थ्री जिसमें ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है लेकिन उसकी लेंथ को हमने कंसीडर नहीं किया, तो इसके लिए फॉर्मूला ये बन जाता है। ये हमारा मेन फॉर्मूला, आपको ट्रेन के कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको एक फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा, उसमें सिर्फ आपको डेटा इनपुट करना है और आपको मिल जाएगा जो भी फाइंड करने के लिए बोला है। अब देखते हैं लास्ट केस। तो यहाँ पे कि ट्रेन क्रॉसिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ लेंथ, अब जो ट्रेन मूव हो रही है या फिर एक कार मूव हो रही है और एक ट्रेन मूव हो रही है, ठीक है, दोनों यहाँ पे सड़क है और यहाँ पे पटरियां बिछाई हुई है, तो हो सकता है कि दोनों पैरेलल में मूव हो रहे हैं। तो ट्रेन को कब क्रॉस करेगी उस ऑब्जेक्ट को, जब ट्रेन की स्पीड कंपेयर टू उस ऑब्जेक्ट ज्यादा होनी चाहिए तभी उसको क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यही सोच रहे हैं इसमें कि यही मान के चल रहे हैं कि ट्रेन की स्पीड ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि दो पैरेलल पटरियां बिछाई हुई है और ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड जो है वो इसके कंपेयर में कम है, ठीक है, तो ये वाली ब्लैक वाली ट्रेन है सोच लिए वो इसको क्रॉस कर लेगी, ठीक है, लेकिन ये भी मूव तो हो रही है ना, तो उस केस में भी कौन सा, जब दो दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, हमारी ट्रेन और ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, तब उस केस में कॉन्सेप्ट आ जाता है रिलेटिव स्पीड का, तो वो हमें याद रखना है। और यहाँ पे इसने कहा कि जब ऑब्जेक्ट की लेंथ कंसिडर करनी पड़ जाए तो वो हमें कंसिडर करनी है, कब कंसिडर करनी है, जब प्लेटफॉर्म हो या टनल हो या फिर कोई ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो हमें
उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी कंसिडर करना होगा, ठीक है। लेकिन जब बहुत छोटी लेंथ हो कंपेयर टू ट्रेन, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेन किसी ब्रिज के ऊपर से पास हो रही है, तो उस टाइम पे हमें उस ब्रिज उसकी लेंथ कंसिडर करनी होगी, क्योंकि वो भी बहुत काफी होती है ट्रेन के कंपेयर में, ठीक है। वो भी अच्छी खासी होती है, हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब पोल आया, कोई इंसान आया, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमें याद रखना, ये हमारा मेन फॉर्मूला। अब केस फोर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इस केस में मूविंग ऑब्जेक्ट विथ लेंथ, लेंथ तो है, तो हमें ये लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ को भी कंसिडर करना होगा। चलिए स्पीड भी आएगी, कौन सी? रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे मूव हो रहा है, तो फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी केस आया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस। यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो साइन आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। बीच में अब एक एग्जाम्पल देख लेते ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ, एक ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है? एल लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 120 मीटर, और दूसरी ट्रेन को हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ऑब्जेक्ट कितनी है? 80 मीटर। आर रनिंग ऑन द पैरेलल लाइन, दोनों ट्रेन जो है वो पैरेलल लाइन पे मूव हो रही है, ठीक है। ये दोनों लाइन है पैरेलल, पटरिया बिछे हुए उन पे मूव हो रही है। इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोस्तों ये डायरेक्शन को आपको ध्यान रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। ओके, विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर आवर एंड 55 मीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, 35 किलोमीटर पर आवर एंड 55 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो ये एल टी, उसकी स्पीड कितनी है? एस टी इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, लेकिन पहले रिलेटिव स्पीड लेते हैं, उसके बाद कन्वर्ट करते हैं। और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमें दूसरी ट्रेन को ऑब्जेक्ट माना है, उसकी है स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड वो कितनी होगी? तो इन दोनों का समेशन, एस टी प्लस एस ओ इज इक्वल टू 35 प्लस 55 इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर में। लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 90 × 5/18, तो यहाँ पे आएगा 5 × 5 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। ये आएगी रिलेटिव स्पीड। अब ये हमारा मेन फॉर्मूला इस केस फोर के लिए। तो हमें फाइंड करना है इन इन व्हाट टाइम विल दे पास ईच अदर। तो टाइम ही फाइंड करना है, तो टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 120 प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो दूसरी ट्रेन को हमने ऑब्जेक्ट माना है, कितनी लेंथ है उसकी? 80, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 25 मीटर। ये हमने मीटर में कन्वर्ट इसलिए किया कि यहाँ की जो लेंथ थी वो मीटर में दी हुई थी, इसलिए हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे आएगा 200 / 25 मनी 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में क्या होगा? ये ट्रेन जो है वो एक दूसरे को पास कर लेगी, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। तो ये केस फोर था जो हमने देखा। तो अब इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि टाइम दिया हुआ होगा, रिलेटिव स्पीड दी हुई है, और आपको पूछ सकते हैं कि किसी एक ट्रेन की लेंथ दी हो, दूसरे ट्रेन की लेंथ पूछ सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अभी इसमें भी देखो कि इसमें कुल टोटल 5 चीज है, ठीक है। 5 चीजों में से यदि आपको 4 भी मालूम है ना, तो तीसरी चीज फाइंड कर सकते हो इस केस में, केस फोर में, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के पास स्पीड तो है। तब ऐसे कर देते कि दोनों ऑब्जेक्ट की आपको लेंथ दे दी, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो बता दिया, और उसके टाइम कितना लग रहा है वो बता दिया। अब आपको ये भी बता दिया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे साइन भी प्लस आएगा। और एक की स्पीड दे दी और दूसरे की स्पीड को फाइंड करने को बोले, तो आप कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको डेटा इनपुट करना है जो भी दिया हुआ प्रॉब्लम में, और एक चीज नहीं होगी वो आपको फाइंड करनी है, सिंपल सा है। लेकिन ट्रेन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, आप क्वेश्चन है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला रिमेम्बर कर लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है टाइम के लिए, टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस और माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में जैसा भी केस हो, उसके हिसाब से फिर हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा फाइनली, जो हमें उस प्रॉब्लम में यूज करना है, ठीक है। लेकिन उस फॉर्मूले के बेस पे ही हमें मिलेगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कंसिडर नहीं करनी, तो हमें एल ओ निकाल देंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल देंगे। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल देंगे, लेकिन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके पास लेंथ है, तो ये निकल जाएगा और ये दोनों बचेगा, ठीक है।
अब तीसरा केस देखा था जिसमें लेंथ तो कंसीडर नहीं करनी थी लेकिन उसकी स्पीड कंसीडर करनी थी, तो फॉर्मूला बन जाता था एल टी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फ्रंट प्लस और माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और चौथा ये फोर्थ क्वेश्चन ये था कि जिसमें ऑब्जेक्ट की लेंथ भी हमें कंसिडर करनी है प्लस उसकी स्पीड भी कंसिडर करनी है मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस केस में बन जाता था फॉर्मूला ये लेंथ ऑफ फ्रंट प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फ्रंट प्लस और माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ट्रेन के जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चार केसेस बेसिकली होते हैं। हमें सिर्फ प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको डिफाइन करना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो कौन सा केस का है, ठीक है। 1, 2 और 3, 4 में से इन चारों में से कोई ना कोई केस होता है और उसके हिसाब से ही हमें पूछा जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूंगा स्टडी के रिलेटेड। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।